नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अहमदनगर की, जहां अहमदनगर शहर में चेन स्नैचिंग के दो आरोपियों को माल सहित जेल भेजा गया। बात होगी धौलपुर की, यहां ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदनगर की गीता मुकुंद देशमुख श्रीनाथ कॉलोनी रास्ते नगर सावड़ी में 29 अप्रैल को सड़क पर जा रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर की काली मोटरसाइकिल पर उनके सामने आया और 10 ग्राम कीमत का सोने का मंगलसूत्र खींच लिया। धारा 392 के तहत जबरन चोरी का मामला दर्ज किया गया है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जिला छत्रपति संभाजीनगर के सलीमुद्दीन अजोलुद्दीन शेख और जीशान सलीमुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 25 ग्राम मूल्य के 1,75,000 रुपये के सोने के गहने जब्त किए गए। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा रविवार को इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर पर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से जीवन की रक्षा करने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में प्रशिक्षक डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने खेल मैदान एवं जिम में व्यायाम करते हुए होने वाले हार्ट अटैक, अचानक बेहोश होना आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए बेहोश व्यक्ति को होश में लाने एवं CPR किन परिस्थितियों में दिया जाता है इसकी जानकारी दी गई। साथ ही खिलाड़ियों को CPR देने का अभ्यास कराया गया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में चिकित्सीय सुविधा मिलने से पहले साथी खिलाड़ियों द्वारा प्राथमिक उपचार के गुण सिखाए गए। आज हमें सिखाया कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह सिखाया कि हमें CPR कैसे देना है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश या उसकी सांस या चल रही है तो उसे हम कैसे जीवित कर सकते हैं, जिससे और हमें सीपीआर का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर व्यक्ति बेहोश होगा वह CPR का उपयोग करना चाहिए। यह घरों और ग्राम क्रिकेटर वगैरह के लिए बहुत उपयोगी होता है। खेल मैदानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चलाए जा रहे समर कैंप के अंदर खिलाड़ियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंतर्गत अगर कोई खिलाड़ी अचानक बेहोश होता है या हार्ट अटैक आता है, क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत हो रही हैं, दौड़ते समय या जिम के अंदर वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत आए दिन देखी जा रही है, उनसे बचने के लिए युवा खिलाड़ियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंतर्गत वो डॉक्टरी व्यवस्थाएं होने से पहले, चिकित्सकीय व्यवस्था होने से पहले खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को फर्स्ट एड देकर खिलाड़ियों की जान बचाई जा सकती है। इसमें CPR मुफ्त किया, बच्चों को सिखाया गया, बेहोश होने पर भी कैसे उसको होश में लाया जाएगा इस प्रकार का सिखाया गया, जिससे कि बच्चों को लाभ हो, देश के भविष्य हैं, इनको हम किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस प्रकार ये प्रयास किया जा रहा है। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जयपुर केटरिंग डीलर समिति जयपुर के चुनाव 2024-26 में मनोज सेवानी ने अध्यक्ष पद जीतने के बाद सबका आभार व्यक्त किया और अध्यक्ष पद की शपथ ली। शपथ समारोह में मुख्य अतिथि रहे मंत्री मदन दिलावर और लोकसभा प्रत्याशी जयपुर मंजू शर्मा और पूर्व अध्यक्ष ओम सोडानी और एस सुनील कुमार कैटर्स और समिति के पदाधिकारी भजन संध्या के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। जय श्री श्याम। हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए कई व्यवसाय हैं, जैसे टेंट एसोसिएशन, विवाह स्थल समिति, लाइट एसोसिएशन, जनरेटर एसोसिएशन, उसके अलावा फ्लावर है, साउंड है, इवेंट है, फोरम है, होटल इंडस्ट्री है। जयपुर में सबसे बड़ा वेडिंग हब है ये राजस्थान में, तो हमारी जितनी भी एसोसिएशनें काम करती है हमारा सब साथ ही होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। और जयपुर के अलावा भी हमारी राजस्थान में एक बहुत बड़ी कैटरिंग इंडस्ट्री बनी हुई है, हम चाहते हैं कि इसको एक ऑल इंडिया में बड़ी हुई है और इतना विस्तार करें और इतना बढ़ाएं कि सब भाइयों का कारोबार और बढ़े और हिंदुस्तान का नाम और आगे बढ़े, ताकि आदमी कोई बाहर नहीं जाए विदेश में काम करने के लिए, अपना जो भी है सारा यहीं हो जो भी चीज़ें। पकड़ा जा रहा है, उससे कैसे बचेंगे, क्योंकि आप बैंक के पीछे भागेंगे, क्योंकि कई
हमारी तरफ से तो हर चीज़ की व्यवस्थाएं पहले क्लियर की जाती थी, जो भी चीज़ ब्रांड है साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ जगह होनी चाहिए, साफ़ किचन होना चाहिए, साफ पानी यूज़ होना चाहिए, साफ़ तेल होना चाहिए, जो भी चीज़ चाहे पनीर हो मावा हो सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं सब साफ़ सुथरी और ए क्लास होनी चाहिए। अब इसके बाद भी अगर कोई चीज़ 19-20 आती है तो उसका तो उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। जयपुर में 99% तो जितने भी कैटर हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, कोई 1% यूज़ किया हुआ था, पर हम गवर्नमेंट से कहते हैं अगर कोई भी यूज़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जी जी, हमारी जो इंडस्ट्रीज है 27 साल पुरानी है और हमारी इंडस्ट्री से कई चीजें भी जुड़ी हुई है और हमारा जितना भी साथ है सबके साथ साथ ही रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अभी हम चाहते हैं कि हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि हमारी इंडस्ट्रीज में एक ऐसा भव्य भूमि का निर्माण हो, उसमें वेंकुट हॉल हो जिसमें जितने भी भाई है हमारे, जितने भी वेंडर हैं काम करने वाले, जितनी भी लेबर है, उसका सबका विकास हो, सबके प्रोग्राम होने चाहिए, उसे क्या है कि आगे और विस्तार हो सब चीज़ें, और साथ में ही स्टाफ का एक यूनिट भी हो जिसकी उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसे आगे उसको बढ़ावा भी मिलता है। जयपुर से सीनियर संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में बड़े पैमाने पर मुरूम का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है और राजस्व विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए उनकी कार्य प्रणाली पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उधर आरोप है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन सब से नागरिकों का आरोप है कि ये अवैध मुरूम खनन राजस्व विभाग के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मोहाड़ी तालुका में इस वक्त बड़े पैमाने पर मुरूम का खनन किया जा रहा है और राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंककर प्रशासन के लाखों रुपए को चूना लगाने का काम चल रहा है। सैकड़ों पीतल मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जबकि 50 ब्राश मुरूम के उत्खनन की अनुमति है। इस बीच मातोश्री पांदन रोड के काम के लिए 0 रॉयल्टी पर मिलने वाले मुरूम को कहीं और बेचा जा रहा है। बता दें कि इससे खूब पैसा कमाया जा रहा है, जबकि कानूनन मातोश्री पांडन रोड के लिए उपलब्ध मुरूम का उपयोग अन्यत्र किया जाना है। मोहाली तालुका के डोंगर गांव में ब्रास मुरूम का खनन किया गया था और 18 मई से 22 मई तक परिवहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस स्थान पर सैकड़ों ब्रास मुरूम का उत्खनन किया गया था और ये ज्ञात है कि इस स्थान से अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन किया गया था। सूचना देने के बाद भी कार्यवाही से बचने को लेकर कुछ जागरूक नागरिक राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिले और जब उन्होंने दूरभाष पर अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। भंडारा से सीनियर संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में भी ग्रामीणों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पठारी क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर जहरीले जीव जंतु सांप बिच्छू इत्यादि निकलते हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना रहता है। 24 घंटे में मुश्किल से यहाँ के लोगों को सिर्फ देखने के लिए बिजली दी जाती है, जिसमें सही तरीके से मोबाइल भी चार्ज नहीं होते। बिजली के लो वोल्टेज के चलते इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या गहराने लगी है। समस्या है यहाँ पर बालाघाट में लो वोल्टेज की समस्या है। लाइट दिन भर 24 घंटे में कम से 5-6 घंटे आती है और लो वोल्टेज की वजह से पेयजल समस्या, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। आदमी बहुत दूर जाके खेतों से कुओं में भी पानी नहीं है। बहुत यहाँ के जानवर भी परेशान हैं, जो पीने में उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और आदमियों की तो बात ही अलग है। हमारे यहाँ पे हमारे मोहल्ला में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है इस समय। तो कितने घंटे बिजली जाती है? 24 घंटे में से आप ये मानो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 घंटे आ रही है, वो भी इतनी मद्दी आ रही है कि मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे आपको फ़ोन लगा तो जैसे आप आश्वासन दे देते हैं 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, और जो बिजली के अधिकारी हैं उन्हें फ़ोन लगाओ तो वो फ़ोन उठा दे नहीं है। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।